गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं अभी दूसरी जगह आई हूँ। कहाँ आई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, दुर्गा पूजा टाइम वाला। एक सेकंड, यहाँ लाइट क्लियर नहीं आ रहा है, रोशनी में आती हूँ पहले। कहाँ जाऊँ, हाँ यहाँ ठीक लग रहा है। आपने मेरा पहले अगर दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया है कि मैं कहीं जा रही थी। वो उस समय मैंने आपको नहीं बताया मैं कहाँ जा रही थी। तो मैं एक्चुअली यहाँ आई थी। पापा दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो हम लोग जहाँ पे रहते थे वो काफ़ी मतलब डिस्टेंस हो जाता था पापा को अप डाउन करने के लिए। तो पापा जहाँ पे काम करते थे तो वहीं पर उन्हें रूम मिला है, तो हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्ट किया है। आज ही शिफ्ट किया है, सारा चीज़ हो चुका है। अब हम लोग कल पूजा करेंगे यहाँ पे रूम में। ऑब्वियसली नए घर में शिफ्ट नहीं, क्या मतलब किसी अगर दूसरी जगह शिफ्ट होता है आदमी तो वहाँ पे पूजा होता ही है। तो अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली है। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट कल के पूजा के लिए, कुछ चीज़ें जो होती है वो लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बाकी जो चीज़ें होगी वो दिखाएंगे आगे कैसे क्या क्या होता है। मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले हम लोगों ने फ्रूट्स की शॉपिंग की, क्योंकि पूजा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स फ्रूट्स होते हैं। तो हम लोगों ने फ्रूट्स लिया। उसके बाद हमें मार्केट में ताज़े ताज़े आंवले भी दिख गए थे, तो मैंने मुरब्बा बनाने के लिए आंवले भी ले लिए। और यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ था कुछ सेल में, तो यहाँ से एक बेल्ट भी उठाया। फ्रूट्स तो ले लिए थे, बस केला लेना बाकी था तो मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स ख़रीदा, ऑब्वियसली पंचमेवा चाहिए पूजा में, तो वो सारी चीज़ें ली। कुछ सॉक्स लेने थे, ठंडी आ रही है जिसकी वजह से। और उसके बाद मुझे अपने लिए एक फेस वॉश भी चाहिए था, तो मैं वहाँ भी गई, वहाँ से फेस वॉश भी मैंने उठाया। ये सारी शॉपिंग हो जाने के बाद हम लोग निकले कुछ खाने पीने। तो खाने पीने के लिए मैं पहुँची फुचके की दुकान पे, जो कि हम लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है, आपको पता ही है। तो बस हम लोगों ने वहाँ से फुचका खाया। हम लोगों का सारा शॉपिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका था यहाँ पर। बस पूजा की कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि धूप वगैरह हो गया, घी हो गया, हनी हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमने पूजा की दुकान पर जाके उठा ली। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, बहुत सारा काम जो था वो निपटा चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ प्रसाद बनाने। जी हाँ, पूजा होगी तो उसके लिए प्रसाद तो बनता ही है। जिसके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उसको पता ही होगा, ऑब्वियसली सबके घर में होती ही है। तो चलिए बिना किसी तरीके पहले प्रसाद बनाते हैं, और बहुत सारे काम है तो फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि बात करती रहूँगी तो सारे काम भूल जाऊँगी। तो पहले प्रसाद वाला काम ख़त्म करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने प्रसाद बनाना स्टार्ट किया। प्रसाद में आटे का जो चूड़न होता है वो बनाया मैंने। आपको इसकी फुल रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में मैं कुछ दिनों में डाल दूंगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने आटे का हलवा बनाया, जो कि बनता है इस प्रसाद में, आपको पता ही होगा। और ये हमारा प्रसाद डन, और इसकी खुशबू तो क्या आती है आप लोगों को पता ही होगी। प्रसाद मैंने बना लिया है और अब बारी आती है फ्रूट्स काटने की। तो सबसे पहले हम लोग फ्रूट्स को कट के साइड कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फल काटते हैं। प्रसाद बन गया है, फ्रूट्स कट गए हैं, ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब मुझे जाना है रेडी होने। रेडी होकर मैं पूजा बैठती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मतलब क्या क्या तैयारी हुई है आपको। ये जो फ्रूट्स बच गया है एक्स्ट्रा, वो वाला फ्रूट से पकड़िएगा मम्मा। और ये है वो फ्रूट्स जो हमने कट किए हैं, और ये वो प्रसाद है जो मैंने बनाया है। ये तो फटाफट से रेडी होते हैं, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। और ये देखिए, ये मैंने मंडप बनाया है, जैसे जैसे करके हुआ मैंने कैसे भी करके केला का पत्ता वगैरह सेट किया है। तो चलिए फटाफट से पहले ये सारी चीज़ें हो गई है, रेडी होते हैं। हो चुकी हूँ और मैंने मम्मी का साड़ी पहना है, जैसे मतलब पहनने आता है मैंने पहन लिया। मुझे वैसे पहनने साड़ी अच्छे से आता नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। मैंने ये वाला झुमका पहना हुआ है, और मम्मी के पास छोटा बिंदी नहीं था तो मैंने ऐसे ही कोई भी डाल लिया। और मम्मी का चूड़ी मेरा चूड़ी सेम साइज आता है। तो बस हम रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं, बस पापा बस रेडी हो रहे हैं, पापा पूजा करेंगे। तो पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब पूजा होगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पूजा रूम में और बैठते हैं कथा सुनने के लिए। आप लोग भी चलिए।
पूजा कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की। देखिए हटिए मतलब दिखा दें, देख रहे हैं आप यहाँ पे पूजा हुई है मम्मी। अब हम लोग, मैंने एक पिन खोल के ये एक पल्लू में ले लिया था और बेटा दिखा रहा है कि मुझे भी देख लो देख लो, देख लीजिए इसे भी। तो बस पूजा इज कंप्लीट। अब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं ये साड़ी अब बहुत जल्द खोलूंगी क्योंकि रील्स वगैरह भी मैंने बना लिए हैं। अगर आपको मेरे रील्स देखने हैं तो क्या करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ आप चेकआउट कर लीजिएगा। और मैंने ये बहुत सिंपल साड़ी पहनी थी बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, होप आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर मेरा रील्स जो मैं बनाती हूँ। और पूजा हो चुकी है, अभी प्रसाद खाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पूरे दिन अभी खाना तो बना नहीं है और आई थिंक कि 11 बज चुका है, तो चलिए पहले प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाया जाए, पूजा का प्रसाद का बात ही कुछ और है। आप सिर्फ दिल से बनाइए, ये इतना अच्छा होता है और पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। पूरा घर हम लोगों का भी ऐसा लग रहा है कि मतलब सच में भगवान नहा चुके हैं, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है घर से, क्या ही बताऊं। तो प्रसाद खाएंगे, उसके बाद ब्राह्मण को खाना खिलाना है, तो अभी खाना बना नहीं है, वो खाने के लिए आएंगे आई थिंक 2-3 बजे तक, तो उसके लिए भी खाना प्रिपेयर करना होगा निरामिष एकदम। तो चलिए पहले खा ले, उसके बाद सोच रहे हैं कुछ मटर पनीर वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए जो चीज़ें लेनी होगी, बाहर जाना होगा तो जाऊंगा। खाने के बाद चलते हैं क्योंकि तो काम भी 11 बज चुका है, 12 बजने वाला है, टाइम नहीं है। जानते हैं यहाँ पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है, ये संकल्प वो संकल्प, इधर ये करो वो करो, ये पूजा वो पूजा, टाइम लग जाता है। कोई नहीं, भगवान के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खा के प्रसाद। उसके बाद मैं पहुंची वीआईपी मार्केट, जो कि यहाँ पे लगता है बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें मिल गई एक ही मार्केट में। और नॉर्मली मुझे अलग अलग जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे तो एक्चुअली थोड़ा सामान कॉस्टली होता है बट मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर आके सारा सामान ले ली। बस खाना बनाना जारी है, ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, बस लास्ट पूरी फ्राई हो रहा है। थोड़ी देर में पंडित जी भी आने वाले हैं खाने के लिए। और थकान आपको फेस पे पता नहीं दिख रही हुई कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मॉर्निंग का 4 बजे का उठी हूँ, कंटिन्यू बस काम कर ही जा रही हूँ, अंदर बाहर अंदर बाहर, आपने देखा ही थी। और साथ में मम्मी भी लगी हुई है, पापा नाइट शिफ्ट करके आए हैं तो वो रेस्ट कर रहे हैं, अब उठेंगे। अभी तक कोई खाया नहीं है, मतलब क्योंकि पंडित जी जब तक जूठा नहीं करेंगे कोई खाएगा कैसे, ऑब्वियसली उनको खिलाना है। तो बस चल रही है, काम शुरू है, देखते हैं कि कब तक क्या होता है। 2 बजने वाले हैं फिलहाल, मैं आपको बता दूं कि 2:00 के 2 बजने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। खाना हमारा रेडी हो चुका है, ये बना है खीर दूध वाली और आलू गोभी की सब्ज़ी, ये मम्मी ने बनाया था, और मटर पनीर मैंने बनाया, और उसके साथ है पूड़ियाँ। बस हमारे पंडित जी का खाना रेडी है, खाना खा लिया हम लोगों ने, और अभी बज रहे हैं शाम के 4। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, ओबियसली पंडित जी 2 बजे तक आए, खाते पीते प्रसाद दिया गया, फिर प्रणाम वगैरह सब करते करते उसमें 1.5 घंटा चला गया। उसके बाद अभी जस्ट मैं खा के आ रही हूँ और इतना आँख जल रहा है सुबह का 4 बजे का उठे हुए, तो बट अभी क्या ही सोएंगे, शाम के 4 बज गए हैं। तो ऐसा रहा कुछ पूजा हम लोगों का, और नए घर में शिफ्टिंग हो गया। अब मैं भी कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिन और रुकूंगी अभी, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी अपने पुराने घर, मतलब पटना वापस चले जाऊंगी। पीछे पूजा हुआ है, पूजा होने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो यही बात आप लोगों को बतानी थी कि पापा का एक्चुअली कोरोना की वजह से
सबका काम बंद हो चुका था, पापा का भी काम बंद हो चुका था। फिर नया जगह काम लगा पापा का, तो काफ़ी डिस्टेंस था घर से जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी उनको। काफ़ी लेट हो जाता था, 2-2.5 घंटे लग जाते थे उनको आने जाने में ही। रेस्टिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उन्हें रूम मिला, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट किए। वैसे शिफ्ट हम लोग बहुत पहले ही करने वाले थे, बट चूँकि छठ पूजा था तो हम लोग अब वहाँ पे थे ऑलरेडी इतने सालों से, और सब चीज़ पता था। जहाँ पे आदमी रह जाता है, आप एग्री करते होगे कि वहाँ के अनुसार ढल जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब छठ पूजा के बाद ही हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। इसलिए हम लोग छठ पूजा के बाद दुर्गा पूजा, ये जगधरती पूजा भी था, उसके बाद सारा सामान पैकिंग वगैरह कर और के शिफ्टिंग किया हम लोगों ने। तो बस यही अपडेट देना था कि हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से शिफ्टिंग कर चुके हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा मम्मी को यहाँ थोड़ा मन लगाने में, मैं भी चली जाऊँगी तो अकेली हो जाएगी, तो उससे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो शिफ्टिंग हो गया, अब मैं जाने वाली हूँ। तो बस यही सब चल रहा है और क्या। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये अपडेट था तो मैंने दे दिया, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।